महिला ने लगाया ससुराली जनों पर उत्पीड़न व दरोगा पर अभद्रता और मारपीट का आरोप। बरेली थाना सुभाष नगर क्षेत्र के गणेश नगर गली नंबर 3 की रहने वाली महिला ने अपने ससुराली जनों और थाना सुभाष नगर की चौकी मणिनाथ के चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसएससी से शिकायत की। मेरा नाम ललिता है। मेरे देवर मुझ पे गंदी निगाह रखता है, इसकी मैं शिकायत अपने हस्बैंड से करती हूँ तो वो इस चीज़ पे कोई सुनवाई नहीं करता है, ना ही सुनता मेरी बात, ठीक है। और आए दिन मुझे ये लोग मारना तोड़ना लगा रहता है। मुझे इन लोगों ने 28 तारीख को ही मेरे ससुर ने मारा था, मेरे हस्बैंड ने, मेरे देवर ने, जिससे मेरा गला वाला सर सूज गया। इसकी सूचना मैंने सुभाष नगर थाने में जाके दी, उन्होंने मेरी कोई FIR नहीं लिखी। और वो चौकी इंचार्ज जो है वो ये कहते हैं ठीक है हम बात करेंगे और इसकी कोई सुनवाई नहीं करते। कल मुझे देवर मेरे शराब पी के कमरे में घुस गया, जिसे मैं चीखी पुकार करी, मुझे मारा उरा, मैंने इसकी सूचना चौकी इंचार्ज को दी। वो मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के मुझे थाने ले गया। थाने ले जाके मुझसे आप बातें कर रहा, गाली गलौज कर रहा और मुझे मारा। जब मैंने अपनी बहन को बुलाया, इस वाली बहन को, तो इसको भी मारा है। हमको 3:30 बजे तक सुबह के वहाँ बैठा के रखा है। मेरी बहन ये है माधुरी, जिसका नाम है मैं, और मेरी दोनों छोटी लड़कियां हैं, और घर से निकाल रहे हैं, कह रहे हैं अपने घर से ला या कोई गलत काम कर मुझे पैसे दे। ये मेरे ससुराल वाले खर्चे पानी का एक पैसा नहीं दे रहा। मेरे मैक वाले कह रहे हैं मेरे पापा आप आई जाएं, ठीक है। मेरे दो छोटे छोटे भाई हैं, इनका कान का पर्दा भी रात फाड़ दिया चौकी इंचार्ज ने थप्पड़ मार के। कह रहा है कि तुझ जैसी औरतें मैं बहुत मारता हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, मेरी जान को भी खतरा है और मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मैं 1 महीने से बहुत परेशान हूँ। आए दिन ससुर जी और देवर मेरे घर में घुस घुस के मुझे मार रहे हैं जी, चौकी इंचार्ज ने रात मुझे जबरदस्ती थाने ले आए, मैं आ भी नहीं रहते, जबरदस्ती ला के और हमें सुबह के 3:30 बजे तक मारा है उसने, जबरदस्ती कागजों पे साइन कर। जेंट्स ने प्रदीप चौधरी चौकी इंचार्ज जी, माधुरी नाम प्रदीप चौधरी, मणिनाथ चौकी के इंचार्ज हैं। मेरी बहन के साथ वसूली की कर रहा था, दुपट्टा पट्टा खींच रहा मार रहा था। मैंने कहा सर ये आप क्या कर रहे हो, ये तो गैर कानूनी है, तो कह रहे ज्यादा बोलेगी तो तुझे मारूंगा। मैंने सर अभी मैं फ़ोन करके अपने घर से बुला रही अपने भाई को, तो उस समय फिर उसने मुझे मारा, मुझे भी कान पर मेरा ऐसा हाथ मारा, रात मेरे कान में तो खून निकलने लगा, सारी रात मेरे कान में दर्द रहा, बहुत मारा था। सर वो उनसे पैसे खाए भी, वो ये कहते हैं अगर उनके ससुरालों के खिलाफ अगर कुछ करेगी तुम्हारी बहन, ये तुम लोग को एक्शन लोगे तो हम तुम्हारे महक वालों को फंसा देंगे, तुम्हारे इनसे घर में से निकालना चाह रहे हैं। पुलिस से क्या उनकी मिले, उठना बैठना है उनका, प्रदीप कुमार पीना खाना रहता है। इनके वो बिजली विभाग में काम करते हैं, देवर हैं वो, ऐसी गुंडा बदमाशी में जैसे दो नंबर काम करते हैं अपने। तो पुलिस वाले विजय चौधरी देवर का नाम है। क्या नाम है आपका? विजय भैया, विजय कुमार। क्या मामला है? मामला भैया ये है कि हमारी भाभी है ना, उन्होंने पहले तो हम लोग के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद फर्जी मुकदमे में फंसा रही है हम लोग को, हमारे घर में भी रह रही है वो फालतू में, और हमारे घर का पूरा सामान इनकी बहनों ने तोड़ा, मेरा डॉग पला हुआ था उसको मार दिया इन लोगों ने, उसके खिलाफ़ मैंने FIR कराई, उसके खिलाफ़ मुकदमा चल रहा है और उसकी विवेचना प्रदीप भैया हमारे कर रहे हैं, तो वो उनके खिलाफ़ भी झूठा आरोप लगा रही है कि वो प्रदीप ने पैसे ले लिए कर लिए हैं, उस पर झूठा आरोप लगा रही है। हाँ कल भी भैया, कल मैं घर पे आया था भैया खाना लेने, आज हम लोग 20 दिन से घर पे नहीं रह रहे हैं, ना मेरा बड़ा भाई रह रहा है ना हम रह रहे हैं, और वो हमारे घर में कब्जा करने बैठी हुई है, घर में रह रही है, वो कह रही है आओगे फर्जी मुकदमे में लोगों को वो कर दूंगी अगर हम लोग गलत हैं। उसका नाम ललिता है, और अगर हम लोग गलत हैं भैया तो हमारे घर में क्यों रह रही है, अपने घर से जाके मुकदमा लड़ो ना। है हमारे डॉग को मार दिया, डॉग की फुटेज मेरे पास में है, उसकी वीडियो मेरे पास में है, उसकी विवेचना मैंने कराई, शादी मेरे बड़े भाई अजय भाई से हुई है, अजय चौधरी के नाम से। और हम ये चाह रहे हैं भैया कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो उसकी, और जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, अगर हम लोग दोषी पाए जाएं तो हम लोग के खिलाफ कार्रवाई हो, और दोषी वो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और NG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।